संजय जी बात करें सबसे पहले कि हम लोग कहाँ पे हैं और कौन सी फिल्म की शूटिंग हम लोग अभी गुजरात में हैं और फिल्म बद्रीनाथ हम लोग शूट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट शूट कंप्लीट हो चुका है और कल जो है हमारा शूट एक गाना शूट करना है, उसके बाद ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। चंदी जी आप बताइए। नमस्कार, हमें चांदनी सिंह और बद्रीनाथ की फिल्म की शूटिंग चल रही है गुजरात में और बहुत जल्दी आप लोग को देखने को भी मिल जाएगा, दीपावली तक रिलीज़ हो जाएगी और एक और सॉन्ग है जो कल कंप्लीट हो जाएंगे। क्या किरदार है इसमें आपका? मैं मुसलमान कैरेक्टर में हूँ और सर के अपोजिट हूँ। तो सर के साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस मिला और कितना ट्यूनिंग रही है? बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी तक हमने कल्लू जी के भी साथ काम किया, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो सेम वैसे ये भी बहुत सपोर्ट करते हैं और अभी तक जिसके साथ भी काम हम कर रहे हैं सब लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जी आपका क्या चाहिए? चांदनी जी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट। चांदनी जी खुद ही बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छी हैं और मेहनत से काम करती हैं, अच्छा लगा इनके साथ काम करके। आपका क्या किरदार इसमें? मेरा एक पंडित का किरदार है जो कि एक मुस्लिम लड़की से के प्रेम में जो है पढ़ जाते हैं, उसके बाद वो कहानी आगे बढ़ती है, तो एक अलग तरीके की प्रेम कहानी है। इस फिल्म से जैसे कि एक पंडित मतलब दो मजहब वाली बात हो रही है, जी। तो समाज को क्या मैसेज जाने वाला है? समाज को मैसेज जाएगा कि इंसानियत बड़ा है जात पात से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो एक जो मैटर चल रहा है उसको लेकर के बहुत सारी एक चीज़ें हैं इस फिल्म में जो दिखाई गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अभी रिवील भी नहीं कर रहे हैं कहानी को लेकर के, लेकिन बहुत मीनिंगफुल फिल्म है और सोसाइटी समाज को बहुत सारे मैसेज हम इस फिल्म के थ्रू दे रहे हैं। Okay, मतलब जो कहे कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, उस पैटर्न पे काम हो रहा है? नहीं, उस पैटर्न पे नहीं, वो पैटर्न नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छा काम किया हम लोगों ने और एक अच्छी सिनेमा बनाई है तो अच्छा लगेगा आपको देखने। तो ये कहानी की सोच कहाँ से उठी और कहाँ से ये जो है? ये कहानी के लेखक निर्देशक हैं मेरे भाई धीरू यादव, उन्होंने ये कहानी लिखी थी और उन्हीं की कल्पना है जिसको हमने एक रूप दिया सिनेमा का। तो कोई सच्ची घटना से प्रेरित है? और ये मैंने उनसे कन्फर्म नहीं किया है, ये वही बता पाएंगे। तो चूँकि अभी वो 18 घंटे से शूट कर रहे हैं तो सो गए हैं अभी। तो कितने गेटअप इसमें आपको देखने हैं? क्योंकि अभी का जो मेरे दो तीन गेटअप हैं इस फिल्म के अंदर में, चूँकि दो तीन अलग अलग रूप में मैं दिखाई दूंगा इस फिल्म में। तो मेरा हार्डकोर पंडित का है, फिर एक बिजनेसमैन का है, ना एक बहुत रिच आदमी का है, बहुत पुअर आदमी का है, तो अलग अलग गेटअप हैं इस फिल्म में मेरे। तो इसमें जो आपका अलग गेटअप, उसमें कौन सा गेटअप आपके दिल के ज़्यादा करीब है? ये सिनेमा ही मेरे दिल के करीब है, गेटअप क्या करीब होगा, मैं पूरे सिनेमा का पार्ट हूँ, तो पूरे सिनेमा पूरी फिल्म ही मेरी है, तो मेरे दिल के करीब है। इस सिनेमा में जितना भी लम्हा मैंने जिया, जितना पल भी जिया, वो मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा पल है। दिल के करीब की बात की जाए तो इसमें कई हीरोइन है, चांदनी जी आपके साथ में, इसके और भी दो नामचीन एक्ट्रेस, दो तीन और हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबके साथ कैसा ट्यूनिंग रही? सबके साथ अच्छा लगा काम करके। चांदनी जी तो इस फिल्म की एक अभिनेत्री हैं, इनसे पूछिए, बाकी अच्छा लगा काम करके, सभी बहुत अच्छे हैं। और कौन कौन? चांदनी जी हैं, अंजना सिंह जी हैं और प्रियंका पंडित और गार्गी पंडित जी हैं, रितु सिंह जी का कल गाना है, तो सभी लोग जितने भी काम किया है, बड़े भाई मेरे संजय पांडे जी हैं, है ना, तो जितने लोगों ने भी काम किया, अनूप अरोड़ा सर हैं, तो बहुत जो भी कलाकार इस फिल्म से जुड़े हैं सभी बहुत अच्छे हैं, सबका प्यारा आशीर्वाद मिलता है। और जो मेरे सीनियर हैं जिनसे मुझे सीखने को मिलता है, जैसे संजय भैया हैं, वो हमेशा मुझे कोऑपरेट करते हैं, अनूप अरोड़ा सर हैं, तो इन लोगों से मैं सीखता हूँ, जो मेरे सीनियर हैं जिन्होंने मेरे से एक अच्छा काम किया है, है ना, तो उनसे हम लोग सीखते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। चांदनी जी कैसी ट्रेनिंग रही आपकी इनके साथ जो अब तक पूरी मूवी में, क्या एक्सपीरियंस मिला? बहुत अच्छा रहा। और इनका आपको मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि भोजपुरी में भी मेरे ख्याल से लुंगी नहीं होता है जो पहनते हैं, उस पर सारा सीन इन्होंने किया है, तो बहुत अभी इन्हीं को पता होगा सर को कि कैसा लगता होगा। आपको और गाने कौन कौन से किनके किनके साथ आने वाले हैं? भोले बाबा के अभी राकेश मिश्रा जी के साथ रिलीज़ हुआ है सॉन्ग आदिशक्ति से, और अब पवन सर के साथ होने वाला है, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ पवन सर के साथ काम कर लिया। और इनके साथ काम कर बहुत ज़्यादा पवन सर के भी साथ एल्बम करके खुश हूँ, सर के साथ मूवी करके खुश हूँ। जी सर, इन्होंने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया, क्या कहना चाहेंगे? बैलेंस नहीं, देखिए इंसान जो होता है कि अभी अलग अलग जगह काम करने का मौका मिलता है, अलग अलग जगह
अलग अलग जगह काम करने का मौका मिलता है और हम जितने लोगों के साथ काम करते हैं कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ ही काम करेंगी, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, जहाँ भी इन्हें मौका मिले, अच्छा काम करने का मौका मिले तो इंसान को करना चाहिए। जी, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को कहना चाहेंगे बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है हम लोगों ने, एक कोशिश की है अच्छी फिल्म बनाने की और बनाई भी है, और दिवाली से पहले ही फिल्म रिलीज होगी, आप लोग देखिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। चांदनी जी, आप दर्शकों से जब भी ये मूवी रिलीज होगी आप लोग जरूर जाइएगा देखने और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। आपकी आने वाली फिल्म कौन कौन सी? नमस्ते करती सर, तो होगी चलेगा ना, एडिट हो जाएगी। आइए, लास्ट उसमें एक आइटम किया हुआ है और मैं नागिन तू सपेरा कल्लू जी के साथ है और तीसरी मूवी संजीव सर के साथ है बद्रीनाथ। सर आपकी कौन कौन फिल्में आने वाली हैं? अभी हम लोग बद्रीनाथ रिलीज कर रहे हैं दिवाली से पहले, फिर रैम्बो राजा है और इसके बाद हमारी दो फिल्में कन्फर्म हुई हैं, तो उसकी भी अनाउंसमेंट हम लोग जल्दी करने वाले हैं इसी महीने के अंदर में। थैंक यू।